फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ लौकी का हलवा, जो बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही जल्दी बनेगा और बहुत कम चीज़ों से। तो आइए देखते हैं ऐसे टेस्टी हेल्दी हलवे के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। यहाँ पे मैंने दो लौकी लिया है, बट मैं इसमें से एक ही इस्तेमाल करूँगी। अब उसके लिए मैंने लिया एक कटोरी शक्कर और एक कप दूध, बादाम, किशमिश, काजू, इलायची। सबसे पहले मैं लौकी को धो के छिलका उतार के उसको खींच ले रही हूँ। खींचने के बाद मैं इसको कप से काउंट करूँगी। अगर हमारा लौकी का खिसा हुआ दो कटोरी निकल रहा है तो एक कटोरी शक्कर और एक कटोरी दूध हम लोग इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में डाला है 2 स्पून घी। घी डाल के अब मैं इसमें डाल रही हूँ खिसा हुआ लौकी। लौकी को खिसके हमें ज़्यादा देर नहीं रखना है, अदरवाइज़ वो काला पड़ जाता है। लौकी को खिसके तुरंत ही उसका हलवा बनाना है। अब मैं इसको लगातार चलाते हुए तब तक पकाऊंगी जब तक कि ये थोड़ा सा भुन ना जाए या इसमें से कच्चा स्मेल निकल ना जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ दूध। इस दूध को मैंने डबल होते तक पकाया, मतलब मैंने 2.5 कप दूध लिया और उसको 1 कप दूध होते तक पकाया और इसमें काफ़ी मलाई भी था। अब मैं इसमें डाल रही हूँ शक्कर। शक्कर 1 कटोरी है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। शक्कर डालने के बाद आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा पानी छूट जाएगा क्योंकि शक्कर पिघल रहा है। अब मैं इसको तब तक भूनते हुए चलाते हुए पकाऊंगी जब तक कि ये पूरा सूख ना जाए। जब तक ये पकेगा तब तक के मैं ड्राई फ्रूट्स को कट करके उनको मैं फ्राई कर लूँगी। अभी मैं ड्राई फ्रूट्स को काट रही हूँ। काट के इनको मैं 1 स्पून घी लेके उसमें मैं फ्राई करूँगी और इलायची को मैं कूट के रख लूँगी। अभी मैंने तड़का पैन में थोड़ा सा घी डाला है। घी डाल के पहले काजू और बादाम को फ्राई कर रही हूँ, फिर इसी में मैं किशमिश को डाल के फ्राई करूँगी। ये हलवा बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही जल्दी बनता है। लौकी के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। लौकी की और भी कई रेसिपी है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बच्चे जनरली लौकी ऐसे खाते नहीं, तो उनके लिए चाहे हलवा बनाओ, पराठे बनाओ, चटनी बनाओ, वह बहुत अच्छे से खाते हैं और बच्चों को लौकी खिलाना भी ज़रूरी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कूटा हुआ इलायची, उसके बाद मैं इसमें डालूंगी ड्राई फ्रूट जिसको हमने फ्राई करके रख दिया। बस हमारा हलवा बन के रेडी है। आप भी ये टेस्टी हलवा बनाइए और बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन क्लिक करें। अब मैं इसमें डालूंगी कटे हुए ड्राई फ्रूट डाल के मैं इसको गार्निश करूंगी। टेस्टी और हेल्दी हलवा बनके रेडी है। थैंक यू।